तो रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की जो मैच की एंडिंग है वो होने वाली कंट्रोवर्शियल। इसमें फीड भी आएंगे, इसमें थ्योरी भी आएंगे, इसमें और कंट्रोवर्सीज भी होने वाली हैं। आई मीन ये कुछ ज्यादा कमाल का मैच नहीं बोल रहा है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्लैश ऑफ द कैसल का जो मेन इवेंट होने वाला है वो रोमन वर्सेस ड्रू के बीच में होगा। अब इस मैच का जो विनर है WWE वालों ने अभी तक डिसाइड कुछ नहीं किया है, लेकिन रिसेंट टाइम एक रिपोर्ट आई है सामने किस तरीके से मैच एंड होने वाला है। और अगर मैं कहूँ मैच के अंदर फीड भी आएंगे, मैच में थ्योरी भी आने वाले, मैच की एंडिंग कंट्रोवर्सी भी होगी, तो भाई काफी कुछ चीजें होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लैश ऑफ द कैसल का जो स्टेज है उसकी पहली फोटो आई है सामने, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है। साशा बैंक्स रीसेंट टाइम में स्पॉट की गई है काफी जैग्ड लुक के साथ में, और थ्योरी को लगे सर उनका पुराना नेम एक बार फिर से वापस मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पहले हम लोग शुरू करेंगे WWE की अपकमिंग मंडे नाइट रॉक एडिशन के साथ में, जो WWE का आने वाला रॉक एडिशन होने वाला है। इसके लिए WWE ने भैया ऑलरेडी काफी सारी चीजें कंफर्म कर डाली है। शो पर हमारे US चैंपियन द ऑलमाइटी बॉबी लैशली फेस कर वाले थे एलिस्टर मिस का। इन दोनों का जो आमना सामने वो WWE वालों ने आज ऑलरेडी ऑफिशियल करके रख दिया है। साथ में शो के ऊपर हमारे ऑनरेरी उस यानी कि सैमी ज़ेन आते हुए नजर आएंगे, हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन उसोस के साथ में। और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि भैया गो होम एडिशन होगा मंडे नाइट रॉ की तरफ से, और यहां पर उसोस और सैमी ज़ेन दोनों आते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी बड़ी चीज होने वाली है। एंड देखते हैं यहां पर ब्लड लाइन आके क्या कुछ करती है जब रोमन रेंज और ड्रू मैकइंटायर का क्लैश होने वाला है इस साल क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर। साथ में जो वुमेन्स की टैग टीम का फाइनल्स होने वाला है वो भी इसी मंडे रॉकी एडिशन में होगा। आर्यन राकेल हमें फेस करती हुई नजर आएंगी डैमेज कंट्रोल यानी कि डकोटा का या न्यूज़ का आएगा, ताकि हमें मिल पाए फाइनली न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। साथ में शो के ऊपर कर्ट एंगल तो आते हुए नजर आएंगे, और सेथ रॉलिंस और रेडल के बीच में एक फेस ऑफ ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। तो भैया ये कुछ प्रीव्यू आने वाले मंडे नाइट रॉकी एडिशन का। आई मीन ऑलरेडी इतनी सारी चीजें ऑफिशियल हो चुकी है, तो देखते क्या कुछ होता है आने वाले रॉकी एडिशन में, जो होता है गो होम एडिशन क्लैश एट द कैसल 2022 को लेकर। अच्छा बात करें क्लैश एट द कैसल 2022 के स्टेज के बारे में, काफी लोग पूछ रहे थे भाई स्टेज किस तरीके का होने वाला है, WWE क्या कुछ करने वाली स्टेज के ऊपर। तो जो पहला फोटो है या फिर जो पहले कंस्ट्रक्शन की वीडियो नहीं एक्चुअल में फोटो आई है सामने, उसको स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे। अब इस फोटो के अंदर जो एंगल है वो काफी दूर से जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप देख पा रहे एंट्रेंस रैप के साइड में आपको कैसल की वॉल्स दिखाई दे रही होंगी। मैंने काफी डिटेल में देखा भैया तब जाके, पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे वहां थोड़ा सेमी सर्कल टाइप में आपको जो कैसल की वॉल्स है वो दिखाई दे रही है, तो लगे इस तरह की WWE क्लैश ऑफ द कैसल की एंट्री के ऊपर ना कैसल वाली एंट्रेंस रखती हुई नजर आएगी, जो कि काफी बेहतरीन चीज होने वाली है। फिलहाल जो सेटअप है भैया इनिशियल व्यू में ही आने वाले कुछ दिन के अंदर आपको अभी जो फोटोज है अपडेटेड वाली मिलती हुई नजर आएंगी, लेकिन ये पहला लुक आया सामने और लग रहा है WWE जो स्टेज उसे अच्छे तरीके से कस्टमाइज करती हुई नजर आएगी, जो कि फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है। भैया सभी को ये लग रहा था कि WWE ऐसा ना करे फिर से बड़ी बड़ी LED और ट्राइटोरियम जो स्क्रीन से चिपकाती हुई नजर आए, इस बार लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला। जो HHH है वो एक्चुअल में क्रिएटिव स्टेज लाने के बारे में सोच रहे हैं, क्रिएटिव हेड क्रिएटिव स्टेज लाएंगे, वाह वाह क्या बात हो गई। लेकिन आप ये कुछ स्टेज की फोटो आई है सामने, आपके हिसाब से क्या अच्छा आइडिया होने वाला जो कैसल की वॉल्स वगैरह में दिखाई दे रही है, लगा ऐसा एक बेहतरीन स्टेज हम सभी का वेट कर रहा है इस साल क्लैश एट द कैसल के अंदर। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इस बार द बॉस स्टैंडर्ड साशा बैंक्स के बारे में जुड़ी है। साशा बैंक्स भी WWE से बाहर है, लेकिन बताया जा रहा है काफी जल्दी वो भी वापस आती हुई नजर आएंगी। वेल रिसेंट टाइम में जो साशा बैंक्स है वो स्पॉट की गई है अपने काफी तगड़े जैग्ड लुक के साथ में। वो फोटो आप लोग देख पा रहे हो यहां पर जो साशा बैंक्स है, भाई मेरे हिसाब से अपने करियर की बेस्ट शेप के अंदर करंटली। कोई भी सुपरस्टार अगर जाते हैं WWE कंपनी से बाहर थोड़े टाइम के लिए, आप देखोगे भैया वो तगड़ी बॉडी शॉडी बना के वापस आ जाता है। अल्लाह कैसे जो साशा बैंक्स है भैया वही अपनी पूरी तरीके से ना तैयारी कर रहे हैं रिटर्न को लेकर। ऑलरेडी रूमर्स आने सामने की वो वापस आती हुई नजर आएंगी। ऊपर से आने वाले रॉक एडिशन के अंदर हमें वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का टूर्नामेंट का फाइनल दिखाई देगा, और साशा बैंक्स भैया ऐसे जैग्ड लुक के साथ स्पॉट की गई है, तो लगे ऐसा उनकी रिटर्न काफी ज्यादा जल्दी होने वाली। जैग्ड लुक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि साशा बैंक्स की जो रिटर्न है एकदम ब्लॉकबस्टर होने वाली है। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार मिस्टर मनी इन द बैंक होल्डर यानी कि हमारे राज दुलारे थ्योरी के बारे में जुड़ी है। अब पहले हमारी थ्योरी का नाम था पूरा ऑस्टिन थ्योरी, लेकिन जैसे उस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के सामने विंस को लगा नहीं भैया दो दो ऑस्टिन थोड़ी हो सकते हैं, इसलिए ऐसा करते थ्योरी के नाम का जो ऑस्टिन है वो हम लोग रिमूव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम अपडेट आई सामने केजी साइड्स की तरफ से, और केजी साइड्स ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि WWE के आने वाले जितने लाइव इवेंट्स होने वाले हैं ना, उनमें से कुछ लाइव इवेंट्स के अंदर थ्योरी को ऑस्टिन थ्योरी के नाम से एडवर्टाइज किया जा रहा है। लेकिन लग ऐसा है आई मीन कुल मिला के लग ऐसा उनका जो पुराना नेम है वो WWE कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस आता हुआ नजर आएगा। ये जो अपडेट है PW इनसाइडर भी रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है कि करंटली हाँ ऐसी बातें चल रही है, जो ऑस्टिन थ्योरी या फिर जो थ्योरी है उन्हें अपना पुराना नेम वापस मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के लग ऐसा है उनको एक और नेम चेंज होने वाला है, और एक और नाम करंट से उनका जो NXT वाला नेम है फिर से वापस आता हुआ नजर आएगा। अब देखो HHH को भैया NXT सुपरस्टार काफी पसंद है, उनको NXT वाले नेम भी पसंद है, तो इसलिए हो सकता है थ्योरी को अपना पुराना नाम यानी कि ऑस्टिन थ्योरी पूरे तरीके से वापस मिलता हुआ नजर आए। अब थ्योरी थ्योरी तो मुझे पढ़ाई की याद दिला देता है। बाय द वे आज की
जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार क्लैश ऑफ द कैसल 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। शो का मेन इवेंट होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम कार्डिफ वेल्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन इस मैच के अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है ना, मैं बता नहीं सकता कि मैच की एंडिंग क्या होने वाली है। कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि करंटली WWE वालों ने इस मैच की एंडिंग डिसाइड नहीं की है। रिसेंट टाइम में जैरो न्यूज की तरफ से एक और अपडेट आई है सामने और बता दें इस वाले मैच की एंडिंग कॉन्ट्रोवर्सियल होने वाली है। मैच में थ्योरी भी होने वाले, मैच में फीड भी होने वाले हैं। उसका स्क्रीन शॉट आप लोग देख पा रहे हो, कहते हैं ऑल आई से इज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ऑफकोर्स एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड जो टैगलाइन है वो हमारी थ्योरी को पूरी तरीके से सूट करते हैं, जो कि विंस ने बार बार कहा करते हैं। वो कहते हैं डोंट एज्यूम इट्स अ श्योर थिंग, समटाइम्स थिंग्स मे हैपन दैट आर अनएक्सपेक्टेड इन अ मैच, इट्स नॉट एज सिंपल एज कैचिंग फ्लाइज, कॉन्ट्रोवर्सियल इज इक्वल्स टू कैश प्लस व्यूअरशिप दो इट मे बी लीविंग पीपल फीलिंग रॉ। यानी कि भैया जो चीजें वो कह रहे हैं वो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, ये मत सोच लेना कि चीजें कन्फर्म है। लेकिन कभी कभार चीजें ऐसी होती है जो कि मैच में अनएक्सपेक्टेड होंगी, कभी कभार सीधा फायर फ्लाइज को कैच करना एक नॉर्मल चीज नहीं होती है। कॉन्ट्रोवर्सी से फायदा क्या होगा, व्यूअरशिप भी बढ़ने वाला है और कैश भी आने वाला है। अब कैश मनी इन द बैंक कैश इन भी हो सकता है, टिकट सेलिंग भी हो सकती है और आपको मजबूर कर देगा देखने के लिए लोगों को मंडे नाइट रॉ को। यानी कि WWE कुछ ऐसी एंडिंग लाने वाली क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर जो कि आपको मजबूर करेगी, नहीं भैया मुझे मंडे नाइट रॉ जल्दी से जल्दी दिखा दो। ऐसी WWE ने सस्पेंस वाली एंडिंग करने के बारे में सोचा है रिसेंटली क्लैश ऑफ द कैसल की पूरे शो के मेन इवेंट में, जो कि काफी बड़ी चीज है। अब देखो इसी ट्वीट के अंदर थ्योरी का भी मेंशन है, इसमें फायरफ्लाई फनहाउस यानी कि हमारे फिएंड का भी मेंशन है, रॉ की व्यूअरशिप कंट्रोवर्सी सारी चीजें इंक्लूड है। तो यार मैं काफी कंफ्यूज है मैच किस तरीके से एंड होगा। एक और अपडेट आती है सामने जहां पर ये बात रिवील करते हैं कि हर ब्रांड को एक एक अलग अलग टाइटल मिलेगी। हर ब्रांड की एक वर्ल्ड टाइटल होने वाली है, हर ब्रांड की एक टैग टीम टाइटल होगी, हर ब्रांड की एक वुमेंस टाइटल होने वाली है और हर ब्रांड की एक मिड कार्ड टाइटल होगी। यानी कि यहां पर टाइटल स्प्लिट के बारे में भी बात की गई है। और बताया जा रहा है मान लो अगर क्लैश ऑफ द कैसल से कोई भी एक इंसान, वो यहां पर रोमन को मेंशन नहीं करते, मतलब रोमन टाइटल हार सकते हैं, अगर कोई भी एक इंसान अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनकर निकल भी जाते ना, तब भी WWE चीजों को हमें या फिर रिटायर करती हुई नजर आएगी एक टाइटल को, या फिर उसे ओवरहॉल यानी कि उसे रिपेयर करती हुई नजर आएगी, ताकि अल्टीमेटली दोनों ब्रांड्स के पास एक एक वर्ल्ड चैंपियन हो सके। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ क्लैश एट द कैसल 2022 एक्चुअल में एक सरप्राइज इवेंट होने वाला है। मैच में क्या होगा, मैच की एंडिंग किस तरीके से होगी, उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। इमेजिन कर सकते हो अगर फिंड मैच में आता और भाई हेल्प करते आगे ड्रू मैकइंटायर की उसोज और सैमी ज़ेन को यहाँ से भगाने में, उसके बाद आके थ्योरी आते, ड्रू मैकइंटायर जीते हैं, कैश इन करते हैं और थ्योरी मैकइंटायर को और आके न्यू चैंपियन बन जाते हैं। थिंग्स आर अबाउट टू गेट क्रेजी एट क्लैश एट द कैसल। लेकिन आपकी क्या एंडिंग होगी जरूर प्रिडिक्ट करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप होते ट्रिपल एच की जगह आप किस तरीके से एंड करते क्लैश एट द कैसल को, फिंड थ्योरी इन सभी को लेकर। और हाँ, एंडिंग कॉन्ट्रोवर्सियल होनी चाहिए। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर दो नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।